Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यूपी में अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन होने जा रहा है, इस पर अखिलेश यादव ने पहली बार खुलकर अपना रुख स्पष्ट किया है। महोबा में एक न्यूज़ एजेंसी के साथ बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए वे यूपी में बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर की कई पार्टियों के साथ गठबंधन हो चुका है, एकाध पार्टियां बची हैं, उनके साथ भी जल्द गठबंधन हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपी के चुनाव में ओवैसी की पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है जनता। बांदा में रथ यात्रा निकालते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब चाहे कोई भी यात्रा निकाले लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। मथुरा में कार सेवा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग हार स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए 9 दिसंबर को लखनऊ में पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्ष बुलाए गए हैं। इस बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को प्रदेश की जनता को जगाने का जिम्मा सौंपा जाएगा और उन्हें चुनावी लड़ाई के लिए सक्रिय किया जाएगा। वहीं बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी और राजभर को लेकर जिस तरीके से बॉन्डिंग हुई थी, कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव और असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राजभर जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिए, तो वहीं शिवपाल यादव पर अभी घड़ी टिकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चर्चा थी कि वो इनके साथ नजर आएंगे, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.